हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह आप दाल वड़ा बना सकते हैं। तो वड़ा बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे पल्प निकाल लिया है। आप आटा देख रहे हो, एक कप है। यहाँ पे आप लोग राइस फ्लावर देख रहे हो, जो कि एक कप है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैदा, एक कप। एंड यहाँ पे रावा है, जिसे हम लोग सूजी कहते हैं, ये 3 टेबलस्पून है। यहाँ पे हमने गुड़ लिया है, एंड गुड़ आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिए, जितना आपको मीठा चाहिए। यहाँ पे सौंफ है, एंड यहाँ पे नमक है, एंड सॉल्ट भी आप अपने स्वाद के अनुसार ही ऐड कीजिए। सो अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे गुड़ को मेल्ट करके रखा है, ताकि हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से पल्प में मिक्स हो जाए। तो अब हम लोग मिक्स करेंगे। हम इसे अपने हाथों से मिक्स करेंगे अच्छे से, कि जब तक हम हमारा हाथ यूज नहीं करेंगे तब तक अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अब हम इसमें गुड़ ऐड कर रहे हैं। आपको जितना मीठा चाहिए आप उस हिसाब से गुड़ को ऐड कीजिए। अब हाथों के इस्तेमाल से आप अच्छे से इसे मिक्स। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि हमारा बैटर रेडी हो गया है, एंड बैटर को आप अच्छे से मिक्स कीजिए, ताकि इसमें किसी भी तरह का लम्स फॉर्म ना हो। एंड बैटर का जो टेक्सचर है वो आप थिक रखिए, ज़्यादा थिन मत कीजिए। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सो बैटर में अब हम लोग बेकिंग सोडा मिक्स कर लेंगे, ज्यादा मत दीजिए। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एंड आप इस बैटर को कुछ देर के लिए रख दीजिए। कढ़ाई हमने मीडियम हीट में रखा है, एंड अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, रिफाइंड ऑयल। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि हमारा ऑयल हीट अप हो चुका है, एंड अब हम इसमें एक एक करके वड़ा दे देंगे। इस वड़े को अच्छे से फ्राई कीजिए। वड़े को आप 4 से 5 मिनट फ्राई कीजिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, कि किस तरह से हमारा वड़ा फ्राई हो रहा है, एंड आप इसे 4 से 5 मिनट फ्राई कीजिए, एंड आप देखेंगे कि ये वड़ा तेल के ऊपर आने लगेगा। एंड जैसे ही ये तेल के ऊपर आने लगेगा आप इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए, एंड जैसे ही ये रेडी हो जाएगा आप इसे तेल से बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए, तो अब हमारा वड़ा हो गया है। आप इसे इस तरह से ऑयल से निकाल लीजिए, एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लीजिए, एंड आप किसी भी कुकिंग चाल में या फिर आप नैपकिन में इसे रख दीजिए, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका सोक हो जाए।
सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ताल के वड़े रेडी हो गए हैं एंड मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कितना सुंदर बना है। तो ये देखिए गाइस, हमारे ताल के वड़े आप लोग देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। एंड गाइस, जिस दिन आप ताल के वड़े बनाएंगे उसके दूसरे दिन ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। एंड आपको अगर ये रेसिपी पसंद आया हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू गाइज़।